करके बाहर किया जाता है। ये जो मानसिकता है कि डर्टी चीज़ है, गंदा है, हम उसका नाम भी नहीं लेते। हमें बचपन से ही टीचर के पास ये सिखाया जाता है। तो ये इस चीज़ को कैसे बदला जाएगा? इस चीज़ को एक हमने ऐड भी बनाया हुआ है हार्पिक वालों के साथ, पता नहीं ये ऐड अगर इधर हो सो दिखा सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। I don't know whether we can play the ad which is there, can we? ये जो आपने सही प्रश्न पूछा है, because हमें से lot of people they don't say the word toilet जाना है, they think हमें से toilet एक शौचालय एक, या even the word latrine also, मतलब वो ये word को इस्तेमाल करने से डरते हैं, कांपते हैं। So can we play that? It's going to take time, so we'll carry on. हाँ जी आगे आ जाएगा तो। अच्छा, ये जो फिर से मैं आपकी फिल्म पे आऊँगा कि ये जो टॉयलेट प्रेम का था, ये एक मैसेज देने वाली फिल्म थी। इस तरह के मैसेज विज्ञापन भी आप जो कर रहे हैं, वो दो गड्ढे वाला या और भी एक दो विज्ञापन आते हैं, ये जो मीडियम्स हैं, चाहे फिल्म के मीडियम हों या विज्ञापन के मीडियम हों या FM चैनल्स पर भी चीज़ें आती रहती हैं रेडियो में, इनका कितना योगदान हो सकता है और इनमें इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जाना चाहिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए? क्या मैं ये नहीं कि बता कह सकता हूँ और लोगों के बारे में? यस, और लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। और ऐसे कई लोग हैं जो इसको लेके, इस टॉपिक को लेके लोग बात करते हैं, इसके बारे में लोग मतलब मैं कईयों को जानता हूँ जो पैसे भी खर्चा करते हैं इस चीज़ पे, काफ़ी कुछ लोगों को समझाते भी हैं। और यस, ये जो माध्यम है फिल्म मेकिंग, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। लाइक मैं आपको बताऊं, इस टॉपिक से थोड़ा हटके आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज व्हेन समबडी सॉ माय फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा। सो सर, just very nearby there's a place called Govandi, okay? वो एक ऐसी जगह है जहाँ बॉम्बे का सारा जो डंप है उधर किया जाता है, मतलब सारा जो गंदगी है वहाँ रखी जाती है, और यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक ही है। सो माई वाइफ अबाउट 2-3 डेज बैक शी वेंट देयर फॉर सेव द चिल्ड्रेन एंड ऑल। वैसे तो अमूमन एक एवरेज इंडियन जो होता है वो उसकी जो लाइफ की एज है वो 67-69 तक होती है, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि गोवंडी में एवरेज एज है 39 ईयर्स। वो बस बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ सैनिटेशन, मतलब ये देवनार के आसपास, नहीं ये गोवंडी करके एक जगह है, यहाँ से करीबन 14-15 किलोमीटर दूर। सो मैं आई वुड लाइक टू आस्क हार्पिक एंड द जागरण पीपल हुम आई नो दे आर सिटिंग हियर दैट प्लीज कम टुगेदर एंड लेट्स मेक समथिंग देयर। आई मीन दोज पीपल नीड आवर हेल्प, एंड इफ वी कैन मेक अ नाइस, मतलब उनको सैनिटेशन की बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त, एंड दिस इज जस्ट अ थिंग। और मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था कि माई वाइफ एंड देयर, तो वहाँ ना एक लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैडम मैडम मैं यहाँ का गोवंडी का अक्षय कुमार हूँ मैं। तो माई वाइफ सेड, अच्छा आप कराटे करते हैं? उन्होंने बोला नहीं मैं कराटे नहीं, मैं यहाँ रहकर मैं टॉयलेट बनाता हूँ। सो दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द मूवी। सो दिस इज हाउ मच लोगों के दिमाग में ये बात आती है। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट हार्पिक and Jagran to get together along with me. I mean, say I would also love to be a part of this, and to let's clean that and make a good sanitation report there. And matlab agar hum kuch kar sakte hain to shayad ye hum logon ne Aurangabad mein ek world toilet college bhi start kiya hua hai, wo chalu ho gaya hai wo, aur wahan logon ko training di jati hai ki kis tarah se aap manhole mein jo har saal Delhi Mumbai tamam log saaf karte hue mar jate hain, तो वो उसको किस तरह से टेक्निकली क्लीन किया जाए या उससे आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसको इस पर उस वहाँ
बाकायदे कोर्स किया जाता है अभी इसी साल जी मैं जानता हूँ मुझे बताया गया है जी जी आपने जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बात आती है फिल्मों के अलावा मैंने सुना है कि आपने कोई गांव शायद अडॉप्ट किया है और अपने घर के आसपास भी मुंबई में भी कुछ जूहू वगैरह पर करते हैं जूहू पे क्योंकि जूहू पे मैंने देखा था कि लोग समुंदर किनारे पे जाके जैसे मैंने आपको किस्सा बताया था दे जस्ट गो ऑन द बीच एंड ओपन डेफिकेशन करते हैं एंड सो मैंने और आदित्य ठाकरे जी ने मिलके कुछ जूहू पे ही 5-6 टॉयलेट बना रखे हैं जहाँ लोग जा सकते हैं बिकॉज जूहू बीच पे एक ऐसी जगह है जहाँ लॉट ऑफ टूरिस्ट कम लॉट ऑफ पीपल कम सो उधर नहीं था सो वी मेड इट बट दैट्स अ सेकेंडरी थिंग बट एक कमाल का मैं आपको किस्सा सुनाऊँ मैं आई वाज शूटिंग इन जैसलमेर राइट नाउ अबाउट अ मंथ बैक आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म एंड देन आई वाज जस्ट साइकिलिंग सो आई जस्ट वेंट टू अ विलेज मैं वहाँ विलेज पे गया तो वहाँ विलेज पे मैं बात कर रहा था तो उनका जो टॉयलेट था वो एक सिंगल पिट टॉयलेट बना के उन्होंने रखा था एंड उनको डबल टू पिट टॉयलेट के बारे में कुछ नहीं पता था सो मैंने उनको टू पिट टॉयलेट के बारे में बताया एंड आई सी बेसिकली यही मैं आपको कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा नॉलेज देना पड़ता है कोई बताना कोई जाए उधर बताए उनको टू पिट टॉयलेट के बारे में उनको बताए कि क्या ज़रूरी है आई एम श्योर आई मीन से पीपल हियर मस्ट बी नोइंग अबाउट टू पिट टॉयलेट इट्स वन ऑफ द बेस्ट टॉयलेट्स एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉयलेट स्पेशली इन द विलेज एंड उनको मैंने ये भी बताया कि जो उनका वेस्ट होता है वो सोन खाद के हिसाब से काम में आ सकता है मतलब पाँच साल बाद उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड पूरा का पूरा मतलब बहुत आसान सा टॉयलेट है एंड मैंने उनकी हेल्प की उनको बनवा के दिया उधर एंड यू वोंट बिलीव इट आज आजू बाजू के जितने भी गांव वाले हैं उनको वो अब वो जो गांव वाले हैं वो इनवाइट करते हैं वो लोग आते हैं और ये देख के अपने अपने गांव में सबने बनाना शुरू कर दिया सो यही कहना चाहता हूं कि अगर खुद जाएं तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं दैट्स इट अच्छा एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ महाराष्ट्र का ही एक डिस्ट्रिक्ट है अकोला वहाँ अकोला के एक गांव में सरकार की तरफ से स्कीम आई वो जो 12,000-15,000 जो भी एक टॉयलेट के लिए दिए जाते हैं अब वो तो पैसे शायद बाद में मिलते हैं देर में मिलते हैं वहाँ के लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके पूरे गांव में करीबन 125 से ज़्यादा टॉयलेट्स उन्होंने बना लिए और उन्होंने इंतज़ार नहीं किया पैसे आने का पैसे आए बाद में लोगों को ट्रांसफ़र भी हुए होंगे लेकिन ये इस तरह का जो एक इनिशिएटिव होता है कि कोई एक लीडरशिप सामने आए या जैसे आपने कहा कि आपने एक गांव में इनिशिएटिव लिया है या जुहू पे लिया है ये आम पब्लिक को जिनके पास पैसा है 12,000-15,000 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है एक अच्छी शराब की बोतल भी शायद इतने में आ जाती हो लोग खर्च कर देते हैं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे इसको जोड़ा जाए लोग है ना जो है वो टॉयलेट को अपना नहीं मानते लोग टॉयलेट को समझते हैं कि ये बेगाना है ये हम मतलब उसको एक बहुत ही सेल्फ मतलब एक बहुत ही स्टेप चाइल्ड जैसा ट्रीट किया जाता है जो आपने किस्सा बताया अकोला का कि वहाँ लोगों ने मिलके ये वेट नहीं किया कि सरकार पैसा देगी मैं तो कहता हूँ सरकार का वेट करना भी नहीं चाहिए हमको अपना ही अपना जैसे हम अपना किचन खुद चलाते हैं हम अपने बेडरूम की सफाई रखते हैं तो हम अपना खुद का टॉयलेट क्यों नहीं बनाते हमें अपना टॉयलेट खुद बनाना चाहिए सरकार क्यों दे आपकी सेहत है आपके माँ बाप हैं आपके बच्चे हैं आप उनकी सेहत का ध्यान रखें मैं तो कहता हूँ सरकार दे ना दे आप बनाओ वो सर जब आएगी सो आएगी जी। ये जो ब्लेम गेम जो होता है कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया मैं तो ये कहता हूँ सरकार को छोड़िए आप अपना टॉयलेट खुद बनाइए 12,000 मिले तो अच्छी बात है ना मिले तो भी अच्छी बात है आप अपना टॉयलेट बनाएं बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके खुद के परिवार की हेल्थ दैट इज द थिंग अच्छा आप खुद किस तरह से ये WHO से और आपको एक किस्सा बताता हूँ कि व्हेन आई मेड टॉयलेट अ लव स्टोरी इन द एंडिंग व्हाट यू सी द गवर्नमेंट कम्स एंड गिव्स 12,000 रुपीज टू मी फॉर मेकिंग अ टॉयलेट एंड दैट वॉज एक्चुअली द एंडिंग Till I realized it that, you know, why don't we change this ending? Till I spoke to someone from Swachh Bharat team, Mr. Param Iyer, he made me realize, Akshay, you know, it is, if you
it's a request if you can change it by showing it that people are not worried about the money which comes in. They should make their own toilet. Be responsible for your own toilet. Make your own toilet. Be feel proud about it that nahin, maine apne parivar ke liye khud toilet banaya hai. So you won't believe it, I changed the ending only completely. So I have shown that the person comes with the money and I don't take the money. I give them the money back because I don't want your money, because this is my wife's health, my children's health, my parents' health, which I'm talking about. So I will not take money from the government. I will do the whole thing on my own. So that I change the ending also of that. Acha, Akshay, abhi yaad aaya mujhe ki aapke film mein train ka bhi ek role raha hai. Us Mumbai mein aap BT se lekar ke Karjat Kasara ya Virar tak chale jaiye Church Gate se. Jo jitne bhi chote stations hain, wahan aaj bhi purushon ke liye to thik thak theek vyavastha ho jati hai. Ladies ke liye आज भी यूरिनल्स प्रॉपर संख्या में नहीं है. ये नहीं, ट्रेन में नहीं, स्टेशनों पर. ट्रेन में, लोकल ट्रेन में तो कोई जरूरत ही नहीं है. स्टेशनों पर महिलाओं के लिए खास तौर से सैनिटेशन की पूरी कोई व्यवस्था ऐसी नज़र नहीं आती है. जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है वहाँ है सर. ऐसा नहीं है कि स्टेशनों पर विमेन के लिए बनाया हुआ है. एंड बल्कि मेरी तो ये मुहिम है कि अगर दे कैन हैव सैनिटरी पैड मशीन्स ऑल्सो फिट अप देयर, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरी स्टेशन एंड ऑल्सो इन ट्रेन्स ऑल्सो. सो दैट बी अ ग्रेट थिंग. मैं अंत की तरफ बढ़ रहा हूँ जी. थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और हैं इसमें. आपका WHO और भारत स्वच्छता मिशन से किस तरह का जुड़ाव है और वो कैसे आप उनके साथ मिलकर के काम करना जी, जुड़ाव ऐसा है कि मेरे मैं कभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ना मैं उनका कोई ब्रांड एम्बेसडर हूँ ना मैं कुछ हूँ. मैं अपना काम करता हूँ. आई बिलीव इन डूइंग माय ओन वर्क एंड दैट्स इट. एंड कभी कभी उनके वहाँ से कभी फ़ोन आ जाता है. एंड मतलब बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट, मतलब मैं अभी कैसे समझाऊं, कोई जुड़ाव ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है. बट ये है कि आई बिलीव इन द वर्क दे डू. मतलब आप आपके दिल से आप अपना काम कर रहे हैं. बस अपने दिल से काम कर रहा हूं. वो काम उनसे मैच कर रहा है. वो अपने आप मैच हो जाता है. बहुत सारी चीजें मैं कर जाता हूं. अभी आपका ये खत्म होने के बाद, बिकॉज टुडे इज द वर्ल्ड टॉयलेट डे, आई हैव एन इंटरव्यू, आई हैव टू स्पीक अबाउट इन सम अदर प्लेस ऑल्सो. सो मतलब ये है कि जुड़ाव नहीं है, लगाव है. मेरा लगाव है उनके साथ. जी जी जी, धन्यवाद. विज्ञापन दिखाएंगे, वो आपका वो जो विज्ञापन था वो दिखाना चाहें. अक्षय जी, अंतिम दो सवाल बचे हैं. आपकी पूरे सफर में अब तक के कोई ऐसी मेमोरेबल यादगार हो आपके पास जो आप बता सकें, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, और हालांकि फिल्म ही इंस्पिरेशन है आपकी, कोई मेमोरी हो आपके इस पूरी लंबे जर्नी में जो स्वच्छता मिशन से जुड़ी हुई, जो औरों को भी प्रेरणा दे सके. ऐसी तो वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कह चुका हूँ. See, I just want to give a message across. मैं मैसेज पे डाल देता हूँ दैट इन दिस डे बैठे हुए हैं उनको भी कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से. सो माई मैसेज इज दैट इन दिस डे एंड एज एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड आई थिंक डिजर्व्स अ टॉयलेट. डू नॉट वेट फॉर एल्डर्स टू बी टू ओल्ड और टू सिक टू बिल्ड देम अ टॉयलेट. आई थिंक गिव देम द प्रिविलेज ऑफ डूइंग देयर बिजनेस इन क्लीन पीस. एंड वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम आवर पीपल. Yet they are still defecating in the open along with the animals. I think we are better than this behavior, and we must learn to clean our own toilet, take pride in our own home sanitation. I would suggest don't leave it to your wife or a cleaner. Our toilet rituals are our own responsibility. We should do it. We should clean it ourselves. We need to rise above the notion that is that this work, this job is someone else's job. I think this is, guys, this is the 21st century. We are watching movies in 3D, yet behaving like, you know, cavemen or something like that.
And I think it's time that we change our way of looking at toilets. I think it's a happy World Toilet Day to it is a happy World Toilet Day today. And let's have that dream of making our country a Swachh Bharat. That's it. धन्यवाद अक्षय जी. अब अभी सिंबॉलिक तौर पे जो अभी आपने विज्ञापन में दिखाया वो आप उस तरफ जा करके अगर दिखाएं कि लोग कितना आसान होता है अपने टॉयलेट को साफ रखना. हाँ बिल्कुल आसान होता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. इट्स जस्ट अ टॉयलेट वी एंड Yeah, but what?